हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ पर आपको थेवेनिन्स थ्योरम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट बताया जाएगा और उसके साथ में हम कैसे किसी भी सर्किट में थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, और कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी नेटवर्क में थेवेनिन्स थ्योरम को, हम इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट। तो इसका कथन क्या होता है, अ लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन इक्विपमेंट नेटवर्क हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज VTH एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बताया गया है कि किसी भी लीनियर एवं बायडायरेक्शनल डायरेक्शनल नेटवर्क पे, लीनियर और बायडायरेक्शनल नेटवर्क पर एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को एक इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में हम रिप्लेस करते हैं, जिसका जो वोल्टेज होता है एक सिंगल वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल वोल्टेज को हम एक सिंगल वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं VTH, और टोटल रेजिस्टेंस को, सारे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस के रूप में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस के रूप में रिप्लेस कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर एक थेवेनिन्स ये नेटवर्क दिया हुआ है, हमने एक नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है। आप किसी भी प्रकार से नेटवर्क ले सकते हैं और आप उसमें थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक नेटवर्क लिया गया है जिसका सोर्स वोल्टेज VS, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी R, R1, R2, RL लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लिया गया है, इस लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले लोड करंट को यहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो हम इस नेटवर्क को हम थेवेनिन्स नेटवर्क में कुछ इस प्रकार से इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या फ्लो होगा, IL करंट फ्लो होगा, और IL की वैल्यू क्या होगी, IL VTH डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। तो यहाँ से आपको इस यहाँ पर फ्लो होने वाली लोड में फ्लो होने वाली करंट फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है VTH क्या है, VTH इक्वल टू VOC, ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर बोला जाए तो थेवेनिन वोल्टेज। VS क्या है, वोल्टेज सोर्स। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस। और R1 एंड R2 क्या है, ब्रांच रेजिस्टेंस। R1 और R2 क्या है, यहाँ पर ब्रांच रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले टू फाइंड VTH। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमको एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है, लोड में बहने वाली धारा फाइंड करना होता है। IL इक्वल टू है VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। हमको VTH भी गिवन नहीं है तो हमको उसको फाइंड करेंगे, फिर हमने RTH यहाँ से फाइंड करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से IL को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए टू फाइंड VTH, VTH कैसे फाइंड करते हैं हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन नेटवर्क था यहाँ पर आपको क्या करना है, द लोड रेजिस्टेंस RL इज रिमूव्ड। और सेकेंड क्या चीज़ ध्यान रखना है, एज्यूम VTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो लोड रेजिस्टेंस था उसको रिमूव करना है, और लोड टर्मिनल के अक्रॉस में आपको क्या एज्यूम करना है, आपको वोल्टेज एज्यूम करना है VTH। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से सर्किट को ड्रॉ किया है। द करंट I इन द सर्किट इज गिवन, I इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने ले लिया इस सर्किट में, यहाँ पर आप देखोगे तो I करंट फ्लो हो रही है, क्या फ्लो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो I करंट फ्लो हो रही है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वोल्टेज, इसमें वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो VS टोटल ये वोल्टेज हो गया आपका सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको आई करंट मिल जाएगा। ठीक है, इस लूप में बहने वाली धारा मिल जाएगी, या फिर आप इस लूप में KVL अप्लाई करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस VS प्लस, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा IR, यहाँ पर वोल्टेज लेंगे तो I into R1, यहाँ पर लेंगे तो I into R2 = 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे I, तो R1 प्लस R2 प्लस R यहाँ से आपको निकल जाएगा, और ये VS को ट्रांसफ़र कर दोगे तो VS आ जाएगा। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो I = VS / R1 + R2 + R मिल जाएगा।
ये ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH जो होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस मिलने वाले वोल्टेज के इक्वल होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज है VTH वो R2 के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेज के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहने वाली धारा और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल जाएगा जो कि आपके थेवनिन वोल्टेज के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से देखो ये आई करंट फ्लो हो रही है और इसका रेजिस्टेंस आर टू है, तो आई इंटू आर टू इक्वल्स टू VTH हो जाएगा। आई इंटू आर टू इक्वल्स टू VTH, आई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब VTH का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। VTH इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर, यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से आप VTH को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें RTH फाइंड करना है। VTH यहाँ से फाइंड हो गया, अब हमें RTH फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, RTH फाइंड करने के लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। टू फाइंड RTH हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आप देखिए द लोड रेजिस्टेंस RL इज रिमूव्ड, क्या करेंगे, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिए, जो हमारा ये नेटवर्क था, हमारा यहाँ पर जो नेटवर्क था इसमें लोड रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सर्किट आपको दिखाई देगा। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। जहाँ पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं RTH निकालने के लिए, और जहाँ पर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वहाँ पर हम ओपन सर्किट कर देते हैं RTH को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। डिपेंडेंट सोर्स को हम क्या करते हैं, कभी भी ना ओपन करते हैं ना शॉर्ट करते हैं, एज इट इज हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एज्यूम RTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल, और लोड टर्मिनल के अक्रॉस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे RTH, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एज्यूम RTH कर लेंगे। अब फाइंड करेंगे तो देखो ये दोनों सीरीज में है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सीरीज में है, तो इनको सीरीज में और ये पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। तो आप देखिए आर वन और आर क्या है, सीरीज में है, और जो आर टू है इसके साथ में पैरेलल है। तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ से RTH भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही RTH फाइंड हो जाता है, हमने VTH फाइंड कर लिया, हमने RTH को भी फाइंड कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पर आपने देखा था लोड करंट IL इक्वल्स टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL, ये सर्किट आपने देखा, आपने ये इक्वेशन देखा था। इस इक्वेशन में VTH और RTH की वैल्यू पुट कर देंगे और RL की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपको गिवन होगा, तो ये पुट कर देंगे तो आप यहाँ से लोड करंट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी नेटवर्क में आप थेवेनिन थ्योरम के माध्यम से किसी ब्रांच में बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, जो थेवेनिन थ्योरम होता है ये लीनियर और बाईडायरेक्शनल नेटवर्क में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम बिना किसी ज़्यादा इक्वेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें बहने वाले किसी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।